ये जो बॉक्स है ना, ये मैंने लिया था आइकिया हैदराबाद से, और मुझे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इस बॉक्स के अंदर मैं रखती क्या हूँ डाइनिंग टेबल पे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो इसमें ना सारी वो चीज़ें होती हैं जो हमें लंच करने के बाद या फिर डिनर करने के बाद में इमिडिएट कंज्यूम करने का मन करता है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें कुछ मल्टी वाइटामिन्स रखती हूँ जो रोज़ के खाने का है। तो इसमें से क्या होता है कि याद रह जाता है, जैसे वाइटामिन सी वगैरह हो गया। तो ये सब क्या है, याद रहेगा, और यहीं पर रखने से आप खाना खाने के बाद इमिडिएटली खा सकते हो। जैसे ये वाला हो गया, उसके बाद में ये जो भी मैं गमीज़ वाला ले रही हूँ वो हो गया। उसके अलावा इसमें है कुछ माउथ फ्रेशनर्स जो कभी कभी खाने का मन करता है, और ये वाला है एक अनारदाना गोली, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये खाना, खट्टा मीठा, अंगद को भी अच्छा लगता है, तो ये रखती हूँ। उसके बाद ये छोटू सा जो बर्नी है, इसमें कई बार में छोटे छोटे टॉफीज रहते हैं, अभी कुछ नहीं है, पर कई बार कच्चा मैंगो बाइट या ऐसा कुछ रख देती हूँ इन केस खाने का मन हो तो। बस ये वाला बॉक्स जो है, और हाँ यहाँ पे लौंग है, ये भी एक अच्छा माउथ फ्रेशनर हो जाता है, जैसे बहुत प्याज खा लिया और कहीं बाहर निकलना है तो ये खा लिया इमिडिएट में, तो यही रहता है बेसिकली। और जो ये जो है ना, ये दवाइयों के कैटेगरी में मैं नहीं लेती हूँ इनको, ये सप्लीमेंट्स हैं और रोज बरोज में खाना है, तो इसको आप डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो। पर जो किसी बीमारी के लिए दवाई आप खाते हो ना, उसको आप डाइनिंग टेबल पे किचन में मत रखो, उसके लिए अलग कॉर्नर है घर का, नॉर्थ ईस्ट बेस्ट रहता है। और क्योंकि ये ग्रे कलर में है और ग्रे कलर में डाइनिंग टेबल में और भी चीजें है ना, तो ये अच्छे से मैच कर जाता है। ये फ्लावर वेस ग्रे में है, उसके बाद ये ऊपर शैंडलियर जो है, इसमें जो आप ये देखते हो बॉल्स, ये भी ग्रे कलर में ही है ग्लास के, तो अच्छा खासा लग जाता है, लगता नहीं किसी पर्पस से रखा है, ऐसा लगता है मानो कि ये डेकोर का ही हिस्सा है। ये जो चेयर्स है ना मेरे डाइनिंग टेबल के, इसको मूव करना इतना आसान है ना, क्योंकि बहुत लाइट है ये, तो जब नीचे साफ सफाई करनी होती है तो बस ड्रैग किया, सफाई किया, अंदर पुश कर दिया। कई बार मन करता है चेंज कर लूँ, कुछ फैब्रिक वाला करवा लूँ, दुकान में देखती हूँ तो शौक लगता है, फिर लगता है कि छोड़ो, इसको मेंटेन करना बड़ा आसान है, इधर से उधर मूव करना बड़ा आसान है, तो रहने देते हैं। और ये वाला जो बार स्टूल है ना, ये मैंने लिया था ब्रेकफास्ट काउंटर के लिए, कि वहां पे रखूंगी, फिर कभी कुछ गर्मा गर्म डोसा वगैरह खाना हो तो खाएंगे। पर इसको ना मैं यहाँ इस कॉर्नर पे रखने लगी हूँ, पहले रखती थी किचन के एंट्रेंस पे, पर अभी क्या होता है ना, किचन के एंट्रेंस से हटा दिया तो वहां जगह ज्यादा हो जाती है, और इसको यहाँ कोने में रख देती हूँ, कोई आना जाना भी इधर है नहीं तो काम चल जाता है। पर ये भी देखोगे आप तो मैच मैच ही है, कोई आया है, ये भी मैच मैच ही है, आप देखोगे ना चेयर्स के इस वाले पार्ट से ये मैच करता है। एक मिनट पहले देख लेते हैं कौन है, आई थिंक कुछ कुरियर ही होगा। हाँ एक मिनट, अमेजोन पे ना ये अच्छा हो गया, अब ये लोग ऐसे पेपर बैग्स में दे देने लग गए हैं, पहले देते थे प्लास्टिक में ना, तो ऐसे एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है ये, और दूसरा ना इसको फाड़ना बड़ा आसान है। ये जो मेरा कंफर्टर है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कलर कॉम्बिनेशन, इधर में डार्क ब्राउन और इधर में लाइट कलर आता है, जो मेरे इस बेडरूम के थीम से जाता है। पर कल मैंने क्या किया है आपको दिखाती हूँ। तो कल हमने मंगवाया था पराठा बाहर से रात को डिनर में, तो उसके साथ ना वो आया था, नहीं आता है बटर के छोटे छोटे वाले जो पैक्स आते हैं, तो मुझे लगा ठंडा मौसम है तो बटर तो पिघला हुआ होगा नहीं, तो मैं ना ये ओढ़ करके बैठी भी थी सोफा पे, और मैंने फटाक से वो बटर का पैकेट खोला, और वो लिक्विड था बटर, मतलब वो पिघला हुआ था, और वो पूरा मेरे इस पे जाके गिर गया। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होगे, फिर यहाँ पे दाग है, यहाँ पे दाग है, जितना दिख रहा है कैमरा पे इससे ज्यादा डार्क आया है, यहाँ पे भी है, अभी इस तरफ गिरा है ना तो और भी ज्यादा विजिबल है, अगर ये इधर गिरा होता तो इतना दिक्कत नहीं आती। तो मैंने क्या किया, पानी लगा के साफ करने की ट्राई की कल रात को, पर ऑफकोर्स उससे तो इसका दाग गया नहीं। तो अब सोच रही हूँ इसको ड्राई क्लीन में दे दूँ, तो कल रात लकीली मेरे पास एक्स्ट्रा एक था उस रूम में जो मैं कंफर्टर रखती हूँ ना, ये ब्लू वाला, तो ये वाला मैंने यूज किया, अंगद का ये वाला था। अगर ये नहीं होता तो मेरे पास ना ऐसे पतले वाले कंफर्टर है नहीं जो अभी के मौसम में अच्छे जाए। आज मैंने बहुत दिनों के बाद कांच की चूड़ियां पहनी है, वरना जनरली मैं कांच की पहनती नहीं हूँ, ये वाला जो है ना मैच करता है मेरे कुर्ती से, और मैं ये लाई थी हैदराबाद से। तो हैदराबाद में जो चार मीनार रोड है ना, वो पूरा जो एरिया है वहां पे शॉपिंग के लिए बहुत सारी जगह है, और स्पेशली चूड़ियां बहुत मिलती है, तो जिन लोगों को चूड़ियां पसंद है उनके लिए वो जगह तो जन्नत है, मुझे तो मजा आ गया था जाकर के। बहुत सारी रुपये लेके आई थी, तो कुछ कांच की भी लाई थी। वैसे अभी तो चल रहा है सावन, और सावन में मुझे याद है घर पे मैं देखती थी कि सावन शुरू होते ही ना सब लोग ग्रीन चूड़ियां पहनते थे, पूरा हाथ ग्रीन चूड़ियों से भरा रहेगा, मम्मी मासी मामी सब लोग पहनते थे। तो कौन कौन है आप लोगों में से जो ये फॉलो करता है और सावन में ग्रीन चूड़ियां पहनता है, हाथों में मेहंदी लगाता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा।
ये कैनवास शूज ना व्हाइट कलर के, अगर आप बाहर जाओ बारिश में तो ये हाल होता है। तो मैंने क्या किया, वॉशिंग मशीन में ही इसको 2 घंटे के लिए ऐसे डिप करके छोड़ दिया पानी में, थोड़ा फूल गया। अब इसको ब्रश मार के घसूंगी और फिर यहीं पे ना इसको मैं वॉश कर लूंगी और एक्स्ट्रा स्पिन ड्राई कर लूंगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। लेट्स सी कितना साफ होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली आपके साथ में कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट शेयर करना चाहूंगी जो आए हैं मेरे पास मामा अर्थ से। और इस बार जो आया है वो है इनका ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। तो यहाँ पे 2 वैरायटी है, मैं दोनों के बारे में आपको बताती हूँ, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी स्किन के लिए बेटर क्या रहेगा और आपको इनमें से क्या चूज करना है। तो लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप लेते हो ये मामा अर्थ की वेबसाइट या ऐप से तो कूपन कोड जरूर लगा लीजिएगा Damini2022, उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं, और अभी फ्लिपकार्ट भी मिलने लगा है, और इनका एक ऐप भी है, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी। आप चाहो तो ऐप डाउनलोड कर लो, उससे आपको अर्ली बर्ड एक्सेस और ऑफर के बारे में पता चल जाएगा। चलिए बताती हूँ कि इनमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मामा अर्थ के इस विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर में है विटामिन सी के साथ साथ गोटू कोला। ये देता है आपकी स्किन को 24 आवर्स हाइड्रेशन और स्किन इल्यूमिनेशन। ये बना है एक लाइट वेट फार्मूला से और ये हर टाइप की स्किन को सूट करता है। ये है एक नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजेशन जो आपकी स्किन को सॉफ्ट और सप्पल लुक देता है और रीस्टोर करता है आपकी स्किन के नेचुरल रेडियंस को। तो बस आपको लेना है इसे और अच्छे से अपने फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लेना है। मॉर्निंग और नाइट रोज अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। इस टी ट्री ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर में टी ट्री के साथ साथ में है सैलिसिलिक एसिड जो बना है एक्ने और पिंपल प्रॉन स्किन के लिए। ये आपके स्किन पे सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और एक्ने और पिंपल से फाइट करके देता है आपको एक नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजेशन। हर टाइप के स्किन पे चल जाता है ये और आपको देता है 24 आवर्स का हाइड्रेशन। साथ ही साथ में ये बना है लाइट वेट फॉर्मूला के साथ में। मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है और प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। इनके किसी भी प्रोडक्ट्स में आपको केमिकल्स नहीं मिलेगा, पैराबिन सिलिकॉन नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपने स्किन के लिए कुछ भी लेते हो, इनसे हेयर के लिए कुछ भी लेते हो तो कम्प्लीटली सेफ है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। और इनकी एक इनिशिएटिव है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि जब भी आप मामा अर्थ की वेबसाइट से कुछ भी परचेस करते हो तो दे लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, जिसका जियो लोकेशन ही आपको भेजते हैं। तो मतलब सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट आप नहीं ले रहे हो बल्कि कुछ ना कुछ आप एनवायरमेंट की तरफ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो आपको अगर लेना होगा तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अभी जो मैं लंच बनाने जा रही हूँ ना, उसमें जो एक डिश है वो बहुत टाइम की बात बना रही हूँ, क्योंकि मैं फ्राइड आइटम्स बनाती नहीं हूँ तो इसमें कुछ ज्यादा ही ऑयल लग जाता है। तो आज आपको बहुत दिनों के बाद दिखेगा मेरे किचन में कुछ मैं फ्राई कर रही हूँ। इस वीकेंड नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी डार्लिंग्स करके, और मूवी देखते देखते मुझे याद आया कि मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था, और मैंने एक दो बार जिक्र भी किया था व्लॉग में कि मुझे इस बारे में बात करनी है, पर फिर वो रह जाता है बात करना। तो मैंने आपको बताया था एक बारी कि शादी के बाद मुझे पता चला कि अंगद की शॉर्ट टेम्परामेंट है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई हमारे बीच। और ये ना बहुत कॉमन है, आप देखोगे जिस टाइप का अंगद है ना पर्सनैलिटी, इस टाइप के लोगों के साथ ना ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग आपको कई बार बहुत शांत लगते हैं, बहुत ही काम और कंपोज्ड लगते हैं, वो अपने लाइफ में 80% टाइम वैसे ही रहते हैं, पर जो उनका 20% वाला साइड है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है ज्यादा, कंपेयर टू पीपल लाइक मी जो ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा एक्सप्रेसिव है। हमारे जैसे जो लोग होते हैं ये आपको बिल्कुल हर सिचुएशन में सिमिलर बिहेव करते नजर आएंगे। अगर मैं खुश हूं तो एक तरीके से खुश हूं, और अगर मैं गुस्सा आएगा मुझे तो मेरा कंट्रोल रहेगा उस चीज के ऊपर में।
पर जो लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं ना, थोड़े डीप थिंकर होते हैं, थोड़े शांत रहते हैं, उनका जो वायलेंट साइड होता है, उनका जो एग्रेसिव साइड होता है, वो थोड़ा सा मुझे मैंने जितना देखा है बैलेंस्ड आपको नहीं लगेगा। जैसे गुस्सा हो गया तो उनके गुस्से पे उनका खुद का ही कंट्रोल नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद को ही नहीं पता। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, रिएक्शन तो था ही था एग्रेसिव, कूल डाउन होने का टाइम उसे बहुत लगता था। तो फिर मैंने किसे कैसे इस चीज को हमने ठीक किया, राइट? आपके लाइफ में भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप कैसे ठीक कर सकते हो? तो सबसे पहला चीज जो आपको याद करने की जरूरत है ना, वो ये है कि इंसान एक दिन में बदलने वाला नहीं है। चाहे आप उसको कितना भी समझा दो कि वॉट एवर दे आर डूइंग इज नॉट गुड और इससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, रातों रात एक दिन में वो ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि वो चीज बचपन से धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी में बिल्डअप हुई है, तो टाइम लगेगा। जो कहते हैं ना, नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंजेस, तो टाइम बहुत लगने वाला है, उसमें भी कम्प्लीटली ठीक नहीं होने वाला। इसमें या तो आप ये कर सकते हो कि यू कैन लर्न हाउ टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली, कि ठीक है बंदे ने, इस बंदे को ऐसा गुस्सा आया, इसने ऐसा रिएक्ट किया, मैं क्या करूं सिचुएशन को कूल डाउन करने के लिए, या तो आप वो कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि धीरे धीरे उसको ठीक करें, एक दिन में ठीक नहीं होने वाला। तो ये गलतियां हम बहुत करते हैं, हमको लगता है कन्फ्रंट करेंगे, डिस्कशन करेंगे और ये नेक्स्ट डे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। नेक्स्ट टाइम फिर से अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आएगा, यू विल सी कि जो इंसान है वो फिर से वैसा ही रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें धीरे धीरे उसको रियलाइज कराने की आपको जरूरत है कि ये चीजों से आपको कितना असर पड़ रहा है, एंड दिस इज नॉट गुड। एंड एट सम पॉइंट आपको ये भी बताना पड़ेगा कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑल्सो, कि मैं ऐसे बेकार का गुस्सा नहीं सुनने वाला या मैं नहीं सुनने वाली। फिर जाके इफ द पर्सन इज गुड इनफ, उसमें भी मैं बोलूंगी कि डिपेंड करता है, अगर इंसान सच में अच्छा है और बस प्रॉब्लम उसका एंगर है, तो शायद वो रियलाइज करे और वो भी उस पर वर्कआउट करे। क्योंकि जब तक वो इंसान खुद वो रियलाइज ना करे इस बात को कि देर इज सम प्रॉब्लम, ये ठीक नहीं होने वाला। पहली बात तो आपके कितने भी बोलने से कुछ नहीं होने वाला, बट द मोमेंट द पर्सन रियलाइजेस कि हाँ आई एम सॉरी, मुझे लगता है ये गलत तरीका है बिहेव करने का, एंड आई विल ट्राई टू फिक्स इट, फिर जाके कहीं बात बनेगी। फिर भी ये चीजें होती रहेंगी, कुछ टाइम तक ये अकेरेंसेस होते रहेंगे, आपको लगेगा कि फिर से ऐसा हो गया, फिर से इसने ऐसे रिएक्ट कर दिया, फिर से इसने ये बात मुझे बोल दी, फिर से ये ऐसे गुस्सा हो गया। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट कि हर बारी की इट्स ओके, मैं काम डाउन हो जाऊं, एंड जब वो बंदा सही स्टेट ऑफ माइंड में है कि उसको लगता है कि ही इज रेडी टू लिसन, उसके बाद मैं उससे बातें करूं। तो फिर ऐसे धीरे धीरे कुछ टाइम लगा, एंड देन फाइनली ऐसा हो गया, सिचुएशन ऐसी आ गई जब उसको गुस्सा कंट्रोल करना आ गया कि नहीं मैं बोलूंगा तो गलत बोल दूंगा या गलत रिएक्ट कर दूंगा, उससे इसको बहुत फर्क पड़ता है। तो उसने किस तरीके से डिसाइड किया इसको ठीक करने का, उसने जब भी उसको गुस्सा आए ना, वो चुप रहना उसने स्टार्ट कर दिया कि अगर मुझे बहुत गुस्सा आ गया तो मैं चुप रहूं, ना कि मैं रिएक्ट करूं। तो इस तरीके से वर्कआउट करने के बाद आज जो जैसा है, इसमें टचवुड काफी समय ऐसा हो गया है कि मैंने नहीं देखा कि एंगर ने कुछ भी गुस्सा किया हो या एग्रेसिवली रिएक्ट किया हो किसी बात पे, और मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, मेरे में पेशेंस आया है। मैंने बताया भी था कि शादी से मैंने एक चीज सीखी है, वो पेशेंस, कि अगर उसको कुछ भी चीजें अच्छी नहीं लग रही द वे ही इज रिएक्टिंग, मैं भी साथ में रिएक्ट करके आग को बढ़ाऊं ना और थोड़ा सा स्टेप डाउन कर लूं और बातें ठीक हो जाए, बेटर हो जाए। कुर्ता मंगाया था अमेजोन से, आपको दिखाया भी था, फिटिंग अच्छी नहीं आई थी तो मैंने रिटर्न कर दिया, और मंगवाया था रक्षाबंधन में पहनने के लिए।
तो मैं सोच रही थी कि अब तो क्या ही मिलने वाला है इतने कम टाइम में, तो जो है पुराना वाला पहन लेगा। पर इन सिचुएशन में अमेजोन जिंदाबाद, आपको कई बार ना इफ यू आर लकी इनफ आपको एक दिन में भी डिलीवरी मिल जाती है। तो मैंने शुरू किया ढूंढना वही सारे सेलर्स जो कि एक या दो दिन में डिलीवर कर रहे होंगे, तो मुझे मिल गया है कुर्ता। फिटिंग भी अच्छी आई और देखिए कितना सुंदर दिखता है। तो पिछला वाला जो था ना वो थोड़ा सा प्लेन था, थोड़ा क्या भूरा ही प्लेन था ऑरेंज कलर में। जनरली अंगद जैसा प्लेन ही पहनता है, तो इस बार मैंने सोचा चलो ठीक है प्रिंट्स में मंगाते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर आया ना, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, फिटिंग अच्छी आई है, लॉन्ग कुर्ता है और कितना सुंदर है, पहनने पे भी उस पर बहुत खिल रहा था। तो अंगद ये पहन रहा है, तो इससे मैचिंग एक कुर्ती नई मेरे पास पड़ी हुई है। ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया था कुछ टाइम पहले और अभी तक टैग भी निकाला नहीं है, तो पहना नहीं है, तो ये पहना जा सकता है। इसके साथ में काफी अच्छा मैच हो रहा है, सुंदर है डिजाइन इसका, यहाँ पे ऐसा कट है और है तो सिंपल पर अच्छा लगता है। और इसके साथ ना कोई पजामा नहीं आया था, तो इससे मैच करते हुए, यहाँ का ये लेस से मैच करते हुए मैंने अलग से पजामा भी मंगा करके रखा है, और ये भी अमेजोन का ही है, दोनों अलग अलग ब्रांड का है। ये बहुत ही सॉफ्ट है और व्हाइट कलर में है ना, तो और भी किसी भी कुर्ती पे चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके साथ जाएगा। ये जो मेरा टूट गया है ना, मैंने शेयर किया था आप लोगों से, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि ये अलग से भी मिल जाता है, तो एक बार चेक कर लो, सेपरेट मिल रहा है तो ठीक है, पूरा लेना नहीं पड़ेगा फिर मिक्सर ग्राइंडर। तो देखती हूँ ढूंढती हूँ। फिलहाल कल मुझे ये बनाया था, मैंने बनाना शेक बनाया था, तो इसमें बनाती थी पहले, पर वो तो हो नहीं सकता था। तो मेरे पास ना एक अगारो का इतना बड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर है, इसको मैं बहुत ही रेयर यूज करती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा जार है ना, तो स्मूदी वगैरह में ही काम आता है, वैसे नॉर्मल तो कुछ काम नहीं आता। नहीं चलेगा ये, नहीं चलेगा, नहीं लिखा है कंपेटेबल विद ऑल मिक्सर ग्राइंडर्स बट नॉट विद आवर्स, नहीं चलेगा, दिखाओ। ये आप देख रहे हो, ये मुझे कमेंट आया था किसी का कि शोना आप ये खरीद लो जियो मार्ट से, ये हर मिक्सर ग्राइंडर पे कंपेटिबल होगा, सेट ऑफ टू देखिए 544 रुपीज का है। पर अंगद कह रहा है ये हमारे में चलेगा नहीं, फटाफट ब्रांड वाला पार्ट को एडिट करके उन्हें भेज दिया है ताकि वो रिव्यू कर ले। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है और कई बार ना व्लॉग इस चक्कर में अटक जाता है। कुछ ब्रांड्स होते हैं जिसमें एक बंदा रिव्यू कर रहा होता है तो वो तो फटाफट कर देता है, मान लीजिए जैसे मैंने मेल कर दिया फिर मैं व्हाट्सएप में पिंग कर देती हूँ कि मैंने भेजा चेक कर लो। कुछ ब्रांड्स है जहां पे दो तीन लोग चेक करते हैं और वहां प्रोसेस लंबा हो जाता है और इस चक्कर में ब्लॉग जो है वो अटक भी जाता है। बाहर लाइट है, पूरा लाइट है बाहर, ट्रिप हुआ है क्या लग रहा है, आवाज भी आ रहा है मुझे लग रहा है ऐसा एकदम टक है। एक बार बाहर देखो ना, अच्छा पहले देख लो ट्रिप हुआ है कि नहीं, अरे हाँ बाहर है, तो मैंने तो कुछ ऐसा ऑन ही नहीं किया कि ट्रिप हो जाए ना, नहीं हम तो आराम से टीवी देख रहे हैं। हाँ देखो, अरे मेंस ट्रिप हो गया, हो सकता है कोई बल्ब उड़ गया हो, तो पहले काम करो, पहले कुछ ऑफ कर लो, एक सेकंड देखे बाहर का क्या हाल है। जनरली क्या होता है ना, ऐसा ट्रिप तब होता है जब आप कुछ ऑन करो, है ना, करेक्ट, और फिर ये ट्रिप हो जाता है। जो चलता हुआ लाइट होगा ना, वो शायद कोई उड़ गया होगा। एक यहाँ मेरी सब्जी चढ़ी हुई, अंगद एक बार टॉर्च दिखाना, एक मिनट, ओ ट्रिप हो गया, रुको 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 रुको, बेडरूम 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 का, बेडरूम का, यस दैट लाइट, कौन इतना लाइट तो ऑन था अभी भी, वाह। टमाटर डाल देने का ये फायदा कि ये भूनता रहा, जला नहीं। अच्छा ये जो मैंने आज शेयर किया आपसे अंगद के बारे में ना, तो उस दिन जब मूवी देख रही थी कल, तभी मुझे लगा कि अरे ये तो शेयर करना रह गया, शेयर करना जरूरी है, लेकिन क्योंकि ये मेरे बारे में नहीं है अंगद के बारे में है, तो उसे पूछना भी जरूरी था। तो मैंने अंगद से पूछा कि अच्छा मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, मैं करूँ, तो उसने बोला हाँ करो। तो अगर आप एक यूट्यूबर है और आप मुझे देख रहे हैं ना, तो ये चीज एकदम गांठ बांध लीजिए अपने यूट्यूब करियर में, कि जब भी आप अपने फैमिली मेंबर की कोई भी बात
ऐसे पब्लिक कर रहे होते हो ना, तो एक बारी उनका कंसेंट जरूर ले लीजिएगा, एक बार उनसे पूछ लीजिएगा, सिर्फ इन्फॉर्म मत करिएगा, पूछ लीजिएगा कि मैं ये शेयर करूं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और जो भी मेरे दिल में था मैंने आपसे शेयर किया, जैसा मैं हमेशा करती हूँ, जो भी मन में है आपको बताती हूँ। अगर मुझे लगता है मेरे कुछ भी बताने से आपको हेल्प होगी तो मैं शेयर करने से पीछे नहीं हटती हूँ। और एक बात और बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी के भी मैरिज को देखते हो ना, चाहे अपने किसी फ्रेंड के देखते हो, जो भी आपको परफेक्ट कपल लगते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कोई हो, यूट्यूब में कोई कपल हो, या आपके आसपास का कोई हो, एक चीज जरूर याद रखिएगा कि अगर आपको लगता है आप मैरिज में रफ पैथ से गुजर रहे हो, देखो वो बंदे कितने परफेक्ट है साथ में, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो भी कुछ रफ पैथ से गुजरे हो, हो सकता है उन्होंने भी अपने मैरिज को चलाने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस किए हो, कुछ उनके साथ भी हुआ हो जो आपको शायद नहीं पता है, क्योंकि हमें होता है ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहता है जिससे फाइट करके वो आगे आते हैं, तो सबके साथ है, आप अकेले नहीं हो। तो जो भी आपकी फाइट है, जो आज आप झेल रहे हो अपने मैरिज में या इन जनरल अपने लाइफ में, ट्रस्ट करिए, वर्क ऑन इट, सब सही हो जाएगा। और अगर नहीं सही हो सकता है तो आगे आपको सोचने की जरूरत है, फिर बैठे बैठे टाइम मत वेस्ट करिए। चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।